पहले भारत और आज पाकिस्तान में करतारपुर साहिब कॉरिडोर की नींव पड़ गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नारोवाल जिले में एक समारोह में इसका शिलान्यास किया। इस दौरान भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। भारत के बाद पाकिस्तान ने भी अपनी सीमा में करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण का काम बुधवार को शुरू कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को नारोवाल में हुए समारोह में कॉरिडोर का शिलान्यास किया। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस कॉरिडोर को सिख समुदाय की 70 साल की प्रार्थना का नतीजा बताया। दो दिन पहले जब मेरे पंजाब में हमने नींव पत्थर वहां पे रखा, इस करतारपुर कॉरिडोर को हकीकत बनते हुए मैंने उधर देखा और मेरे गुरु नानक का बुलावा आया, तो आज आपकी धरती में आके यहाँ भी हकीकत देख के जा रही हूँ। इसको मैं कहती हूँ बाबा नानक का चमत्कार। मैं आज उस अरदास के साथ आई हूँ कि मेरे जैसे जहाँ भी अरदास कर रहे हैं उनको भी इसके खुले दर्शन दीदार मिलके वो भी अपनी इबादत करें और अपनी झोली खुशियों से भर सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भरोसा दिलाया कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये आपको वाजे करता हूं कि हम आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे, इसको बेहतर करेंगे। ये कॉरिडोर बनेगा और कॉरिडोर में जो दूर खड़े होकर लोग दूरबीनों से देखते थे वो खुद यहाँ इस दरबार पे आके रह भी सकते हैं, ठहर भी सकते हैं और इंशाल्लाह सारी फैसिलिटीज आपको देंगे। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा भारत पाकिस्तान सीमा से 3 किलोमीटर दूर है। ये कॉरिडोर करतारपुर गुरुद्वारे को भारत के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ेगा। इस गलियारे का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा करतारपुर साहिब तक पहुंचना आसान हो जाएगा। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सोमवार को पंजाब के गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी। ये गुरुद्वारा सिखों के लिए खास है क्योंकि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 18 साल यहां गुजारे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।